गुड मॉर्निंग क्लास 7, दिस विल बी योर थर्ड लेक्चर ऑफ कंप्यूटर। बेटा ये आपका थर्ड लेक्चर है कंप्यूटर का, जिसमें हम ईमेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ईमेल क्या होता है? ईमेल शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, जनरली रिटन एज ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल को जनरली हम ईमेल की तरफ लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये क्या है? ट्रांसमिशन है मैसेजेस का, मतलब मैसेजेस का इधर से उधर आदान प्रदान है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेजेस का जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा, समझ में आया? कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा आप मैसेजेस को इधर से उधर भेजते हो, उसे हम बोलते हैं ईमेल। ठीक, टिपिकली द मैसेजेस आर नोट्स एंटर्ड फ्रॉम द कीबोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक फाइल स्टोर्ड ऑन अ डिस्क। ठीक है, टिपिकली क्या होता है? मैसेजेस क्या होता है? नोट्स होते हैं जिनको कि हम कीबोर्ड से टाइप करके और इलेक्ट्रॉनिक फाइल में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, लेट अस नाउ रीड हाउ टू यूज एन ईमेल। अब ईमेल को हम यूज कैसे करते हैं ये हम पढ़ने चाह रहे हैं। ठीक है, स्टेप्स टू लॉग इन जीमेल अकाउंट। स्टेप 1, फर्स्ट एक्सेस टू जीमेल वेबसाइट। तो अगर आपको जीमेल अकाउंट पे लॉग इन करना है तो सबसे पहले तो आपको जीमेल खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सेस टू जीमेल वेबसाइट, सबसे पहले आप जीमेल वेबसाइट पे जाइए जो कि है www.gmail.com। फिर स्टेप 2, देन यू कैन सी द इंटरफेस वेयर यू कैन एंटर योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। Please enter your email address in the first line of the interface. You must use the email address you have selected during the creating of your account. अब आपको क्या करना है बेटा? जैसे आपने जीमेल का खोला, आपका ऐसे करके एक विंडो खोलेगा जिसमें आपको ईमेल डालना है अपना, वो वाला ईमेल जो आपने अकाउंट क्रिएशन के टाइप पर बनाया था। ठीक है, अगर आपने नहीं सीखा है कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं तो बेटा उसके लिए आपको अलग लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप बेटा सिक्स्थ के लेक्चर्स चेक करना, सिक्स में आप लोग चेक तो कर ही सकते हो। ठीक है, सिक्स क्लास के लेक्चर्स में जाना कंप्यूटर में, उसमें आपके एक चैप्टर में बताया गया है कि आप जीमेल में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हो। ठीक है, तो एज सच वैसे कोई टफ नहीं होता है। जैसे यहाँ पे साइन इन आया हुआ है, इसमें नीचे दिया रहता है, ऑप्शन दिया रहता है क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है सिंपली, और क्रिएट एन अकाउंट पे जाने के बाद आपको जो जो ऑप्शंस दिए जाएं उन सबको फिल करते चले जाना है ना, पासवर्ड वगैरह आपको लगा देना है, तो आपको मिल जाएगा कैसे आप क्रिएट करते हो अकाउंट को। ठीक है, तो ये था आपका स्टेप 2। फिर आ जाता है स्टेप 3, एंटर द पासवर्ड यू हैव यूज्ड एट योर रजिस्ट्रेशन इन द सेकेंड लाइन। अब सेकेंड लाइन पे, पहली लाइन पे तो आपका जीमेल का वो डालना था, ठीक है, ईमेल एड्रेस डालना था, दूसरी लाइन पे आपको पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो एंटर द पासवर्ड यू हैव यूज्ड एट योर रजिस्ट्रेशन इन द सेकेंड लाइन। प्लीज मेक श्योर दैट यू एंटर द राइट पासवर्ड दैट बिलोंग्स टू द एंटर्ड ईमेल एड्रेस। अब इस चीज का ध्यान रखना बेटा, जो ईमेल एड्रेस आपने डाला उसी का पासवर्ड डालना। चांसेस है कि आपके एक से ज्यादा ईमेल एड्रेस हो, तो अगर आपके अलग अलग ईमेल एड्रेस हैं तो उनके पासवर्ड अलग अलग ही होंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो सेम पासवर्ड रखते हैं। तो अगर आपका ईमेल एड्रेस अलग है और आपका पासवर्ड अलग है तो उसको, जो ईमेल एड्रेस आपने डाला है उसी का पासवर्ड डालना। ठीक है, तभी आपका अकाउंट लॉगिन होगा। फिर स्टेप 4, देन क्लिक द ब्लू साइन इन बटन। फिर आपने बेटा साइन इन बटन पर क्लिक कर दिया, बस आपका लॉगिन हो गया अकाउंट। ठीक है, फिर है रीडिंग एन ईमेल मैसेज। तो अगर आपको ईमेल में मैसेजेस पढ़ने हैं तो क्या करोगे? तो टू रीड ईमेल मैसेजेस फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। ठीक है, तो अगर आपको ईमेल में मैसेजेस पढ़ने हैं तो सबसे पहले आप नीचे गिवन उनको स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप 1, इन द जीमेल इनबॉक्स क्लिक द टैब दैट कंटेन्स द मैसेज यू वॉन्ट टू व्यू। आपको सबसे पहले वो टैब पर क्लिक करना है जिसके मैसेज आपको पढ़ना है। योर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस विल बी ऑन द प्राइमरी टैब। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके प्राइमरी टैब पे होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये प्राइमरी है, ये सोशल है, ये प्रमोशन का है, ये अपडेट्स का है। ठीक है, तो जो प्रमोशनल मैसेजेस होते हैं वो यहाँ पे आएंगे। सोशल मीडिया वाले अकाउंट जैसे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के मैसेजेस यहाँ मिल जाएंगे। प्राइमरी में जो आपके अकाउंट पे, जीमेल अकाउंट पे इंपॉर्टेंट मैसेजेस होंगे वो यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, स्टेप 2, सिलेक्ट द मैसेज यू वॉन्ट टू रीड एंड क्लिक एनी वेयर ऑन दैट मैसेजेस मैसेज लाइन। अब आपको कोई भी मैसेज अगर पढ़ना है तो आपको सिंपली उस मैसेज पे क्लिक कर देना है, तो आपका मैसेज खुल जाएगा।
ठीक है. स्टेप थ्री, नाउ द फुल टेक्स्ट ऑफ द मैसेज इज डिस्प्लेड एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो. तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपको तुरंत नीचे जो भी मैसेज आया है वो आपको मैसेज दिख जाएगा. स्टेप फोर, टू रिटर्न टू द इनबॉक्स क्लिक द बैक टू इनबॉक्स बटन अबव द मैसेज. अब मैसेज आपने खोल लिया, उसके बाद आपका ये बैक टू इनबॉक्स का बटन है, ये बैक वाला एरो बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करोगे तुरंत आपका आप जहां पर थे उससे पीछे आ जाओगे. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो इस तरीके से बेटा ये था आपका कि अगर आपको मैसेज पढ़ना है तो क्या करोगे. इसके बाद है बेटा कंपोजिंग एन ईमेल. तो कंपोजिंग एन ईमेल के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. इस लेक्चर में आपका बस इतना ही. थैंक यू क्लास.